कट ऑफ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा आपकी क्वेरी ये आती रहती है कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है आपकी बार, और सर जो हम स्कोर कर रहे हैं, जो टेस्ट हम लगा रहे हैं, उसमें हमारा जो स्कोर हो रहा है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम पूछ सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन श्योर हो सकता है? तो चलिए इस वीडियो हम लोग बात करेंगे, और वीडियो आप अंत तक देखिएगा जरूर, और सारी चीज आपकी आज कंप्लीट होने वाली इस वीडियो में। चलिए मैं बात करूं अगर बच्चों तो कट ऑफ को लेकर। देखिए कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या अभी बताया जा सकता है? बहुत सारे यूट्यूबर के माध्यम से आपको बताया गया होगा कि कट ऑफ इतनी जाएगी या इतनी जा सकती है, क्योंकि बच्चों को जैसे बता दिया जाए अभी से कट ऑफ, जैसे मैं देखा हूं, मैं भाई कई एग्जाम दिया हूं, तो उसमें बहुत पहले जो कंपटीशन होता है बच्चों, कंपटीशन में यही होता है कि प्रेजेंट में आपकी कट ऑफ कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। सही कट ऑफ आप तभी बताया जा सकता है जब आपकी एग्जाम हो जाए, और एग्जाम की आपकी एग्जाम लेवल कैसा हुआ है, क्योंकि आपका अगर पेपर इजी आ गया तो कट ऑफ आपकी अब जा सकती है, अगर पेपर आपके थोड़ा टफ आ गए तो आपकी कट ऑफ बहुत डाउन रह सकती है। पिछले बार की मैं अगर बात करूं बच्चों, तो पेपर इतना इजी आ गया और बच्चों को इतना टाइम मिल गया कि कोई अनुमान नहीं लगा पाया कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अगर आप बच्चे, जो पुराने बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं या जो नए बच्चे हैं, आप जाकर देखिएगा वीडियो को, पुराने कट ऑफ को देखिएगा, तो आपको कोई अनुमान सही नहीं बताया होगा, क्योंकि मेरा भी अनुमान गलत था, मैंने जो लगता है सभी का गलत हो गया, क्योंकि अनुमान जो होता है वो 100% सही नहीं हो सकता है। कट ऑफ एक अनुमान और डाटा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे मैं अब अगर कट ऑफ बनाऊंगा, जब एग्जाम आपका होगा बच्चों, तो एक क्या होता है, कम्युनिटी पोस्ट होता है, जिसपे मैं पोस्ट करूंगा और आपके डाटा लूंगा कि कितने बच्चे कितना नंबर स्कोर किए हैं, उस आंकड़े के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ एकदम अनुमानित लगभग 99% सही बताई जा सकती है, 1% तब भी नहीं सही हो सकता। तो कट ऑफ ऐसा ही होता है, जैसे अब कट ऑफ बता दिया जाए अभी से आपको कि 74 पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आपके माइंड में आएगा कि अगर मैं 75 या 76 कर ले रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी प्रेजेंट में आप जब आप प्रैक्टिस लगाते होंगे, इससे क्या होता है कि आप इस पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई को उतना ज्यादा बूस्ट नहीं करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी कट ऑफ बताना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, बट लेकिन एक आंकड़ा मैं आपके सामने जरूर रखाऊंगा, अगर इस कट ऑफ तक आप अपना नंबर लाते हैं तो अपना श्योर होकर अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं, चलिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो आपके दो प्रकार की कट ऑफ बनती है, जैसे इसमें आपकी मेल की बनेगी, ठीक है, अगर मेल की बनेगी और फीमेल की बनेगी, ठीक है, या फीमेल की बनेगी, या बोल सकते हैं बॉयज गर्ल्स बोल सकते हैं, सबसे अच्छा है कि बॉयज एंड गर्ल्स, दो पे अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो इसमें भी कैटेगरी होती है स्टूडेंट, जैसे जनरल होते हैं, जनरल मतलब जिसको आरक्षण नहीं होता है कोई फिक्स, मतलब जिसको फिक्स सीटें नहीं होती हैं, उसमें कोई भी स्टूडेंट आपके क्या कर सकता है, अपेयर कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, वो होता है जनरल। अब बात करें, इसमें ओबीसी होता है, ठीक है, अब की बात तो ईडब्ल्यूएसबी जुड़ चुका है, ठीक है, और आपका एक और होगा आपका एससी हो जाएगा, एसटी हो जाएगा, ये आपके टोटल कैटेगरी होती है। तो इस कैटेगरी में हमें बात करना है आपको कि कितने पे हम सिलेक्शन अपना पक्का मान के चले और इतना स्कोर कर लें अगर हम, तो हम मान के चले मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं पिछले अकॉर्डिंग बताऊं तो कट ऑफ काफी हाई बताई जा सकती है, क्योंकि पिछले बार का जो कट ऑफ रहा है मेरे यहाँ जो बच्चे हुए हैं वो 78 एंड 79 इतने स्कोर थे 80 क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर आप समझ, मार्क्स नहीं समझ लेना, ये क्वेश्चन है ना। तो वन क्वेश्चन आपको पता है वन पॉइंट कितने का हो जाता है, वन क्वेश्चन कितने का हो जाता है, 1.25 का होता है एक क्वेश्चन आपका। तो आप समझिए कि कितने क्वेश्चन में हमारा सिलेक्शन हो सकता है। पिछले बार ये था, बट पिछले बार की मैं आपको बताया रहा हूं कि पेपर इजी था, इसके अकॉर्डिंग इतना ज्यादा कट ऑफ गई, बट अब की बार क्या होगा, वो पेपर जब होगा आपका तभी बताया जा सकता है। बट एक अनुमान मैं आपको जरूर बता रहा हूं, अगर आप जनरल में हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 79 क्वेश्चन करते हैं तो आप श्योर होके जाइए। अब ध्यान रखना, इसमें दो चीजें और है, एक रूरल है और एक अर्बन है, मतलब ग्रामीण की कट ऑफ कब जाती है। जैसे मैं बात करूं ग्रामीण की, अगर मैं बात कर दूं तो 78 भी आप मान सकते हैं अभी, ठीक है, वहीं अगर ये रूरल की है ना। अर्बन की मैं बात करूं तो अर्बन की थोड़ा कम इससे ज्यादा जा सकती है, क्योंकि 65% जो सीटें होती हैं वो रिजर्व होती है फॉर
अर्बन के रूरल के लिए, जो रूरल है मतलब ग्रामीण है उनके लिए 65% सीटें आरक्षित है उनके लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग उनकी कट ऑफ ज्यादा ना जाकर कम जाएगी कंपैरिजन टू बोल सकते हैं अर्बन। ठीक है, आप समझ पा रहे। तो इसकी मैं बात करूं 78 क्वेश्चन अगर इनका जा रहा है तो इनका मान के चलो कि 79 क्वेश्चन पे आप कहने का मतलब भी ये श्योर हो जाए। आप कहेंगे बच्चे डर में आ गए, जैसे आप टेस्ट लगाए कि सर मेरा तो 75 ही स्कोर आ रहा है, सर अब हम तो हो ही नहीं पाएगा मेरा। तो डीमोटिवेट भी नहीं रहना बच्चों, डीमोटिवेट नहीं होना है। मैं कह रहा हूं वो पेपर के अकॉर्डिंग है। अब मैं बता दूं पिछले बार का मेरे यहां का स्टूडेंट ओबीसी में 76 क्वेश्चन पे नहीं हो पाया, तो क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो पेपर इजी था, अब की बार पेपर टफ आ गया। तो यही जो डाटा यहां मैं बता रहा हूं यही कम बताऊंगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, अगर हम कहें ओबीसी का, तो ओबीसी का स्टूडेंट अगर वो 77 क्वेश्चन करता है, ठीक है 77 क्वेश्चन, ठीक, और यहां 78, ये भी एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम जा सकता है, तो ईडब्ल्यूएस का मैं इस एक नंबर घटा सकते हैं, ठीक है एक नंबर हम घटा सकते हैं या 78 पर। बच्चों मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, इससे क्या होगा ये आपको फिक्स है, अगर इतना ना लिखे तो आप पक्का है आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं कह रहा हूँ। अब वो पेपर टफ आ गया तो इससे बहुत डाउन हो जाएगा क्वेश्चन, 74 पे भी सिलेक्शन हो गया पिछले, इसके पिछले बार 2019 का और 20 का उसके बीच में जो एग्जाम हुए, उसके पहले जो एग्जाम हुए 2021 के पहले जो एग्जाम हुए, सब बच्चे यहाँ 73, 74, 76 पे ये सब सिलेक्शन ले लिए थे। तो आप इसके आंकड़ा को लेकर डरिएगा नहीं, अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, सर कहेंगे कट ऑफ इतनी आप बता रहे हैं हाई, हमारी बात सुनिएगा, पेपर के डिपेंड करेगा, इसलिए मैं कट ऑफ नहीं बनाने वाला था वीडियो, बट बना रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ के मान सकते हैं इनका 70, EWS का यहाँ थोड़ा मैं गलत बता रही हूँ, 76 इनका मान सकते हैं और यहाँ 77 क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, ये रूरल और अर्बन का एक साथ लेके चल रहा हूँ मैं। एससी में बात करूँ तो एससी का आप मान सकते हैं 75 को 74 क्वेश्चन पे आप श्योर मान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से 74 अगर ये है तो 75 मान सकते हैं। ठीक है, वैसे इससे थोड़ा भी जा भी सकता है, बस इतना मान के चलिए अभी। और इनका मैं बात करूं तो ये आपके 72 क्वेश्चन पे श्योर मान सकते हैं, ये भी 72 क्वेश्चन ना मानकर यहाँ 73 मान सकते हैं, 73 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं वही गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स में यहाँ थोड़ा थोड़ा आप कम कर लेंगे। ठीक है, गर्ल्स में अगर बात करूँ तो यहाँ गर्ल्स में अगर आपके 77 हैं, 77 नहीं आप मान सकते 76 क्वेश्चन, तो आप श्योर होकर पढ़ तैयारी अपना कर सकते हैं। वैसे तैयारी आप कर ही रहे हैं, ऐसे आंकड़ा मैं कब बता रहा हूँ ये करेक्ट नहीं है, ये अनुमान है, बट इस पर आप श्योर अपना सिलेक्शन मान सकते हैं। आपको मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। और 76 के बाद अगर यहाँ मैं बात करूँ 77 क्वेश्चन कर सकते हैं ओबीसी का, वैसे ओबीसी का आप यहाँ सॉरी यहाँ गलत यहाँ आप बहुत अब कम ले सकते हैं इसका 75 क्वेश्चन। ठीक है, 75 क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं, अभी ये श्योर मान के चल सकते हैं, इतना मैं कह रहा हूँ। वैसे ये बताना अभी बहुत मुश्किल है आपका कट ऑफ, बट ये एक अनुमान में बता रहा हूँ, बाकी इतने जो बता रहा हूँ ये मैं बहुत बढ़ा के बता रहा हूँ बच्चों, इससे बहुत कम ही जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, वो डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहे हैं। अगर यहाँ बताएंगे तो 74 क्वेश्चन अगर EWS का तो 74 क्वेश्चन हो सकता, और ये 74 क्वेश्चन ना होकर इसका 72 क्वेश्चन पे आप मान सकते हैं। ठीक है, 72 क्वेश्चन तो पिछले बार नहीं, 73 क्वेश्चन आप मान के चलते हैं। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, और यहाँ भी आपका यहाँ आपका 70 क्वेश्चन में मान सकते हैं। ये एक आंकड़ा है, आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ हमने बताया है बच्चों। अब मैं जो कट ऑफ बताया हूँ वो एकदम श्योर होने वाला कट ऑफ बताया हूँ, कि अगर आपने स्कोर करके आता है तो आप कन्फर्म मान के चलिए, कोई डाउट रहने वाला नहीं है। बट कहेंगे सर इतना हाई कट ऑफ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बच्चों पेपर टफ आ गया। तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके पहले जो बताया हूँ 2020 का जो कट ऑफ था वो बहुत कम गया था, 73 पे बच्चों का हुआ था, 68 पे आपका समझ लीजिए गर्ल्स का हो गया था 68 पे। तो आप बात समझ सकते हैं, बट ये है कि वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। चलिए बच्चों, जब पेपर होगा तो एक सही एनालिसिस के साथ मैं आपको लिए कट ऑफ लेके आऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार उस हिसाब से कट ऑफ नहीं लेके आऊंगा। पेपर को लेवल को जज करना बड़ा जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, जाकर कट ऑफ लेके आऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके अंदर जो डर था, जो एक विश्वास आपके अंदर आना चाहिए, वो वीडियो देखकर जरूर आया होगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कितना सेटिस्फाइड है हम इस कट ऑफ से। थैंक यू बच्चों।